हेलो फ्रेंड, सेहत ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लक्षणों के बारे में, यानी हम जानेंगे नवे महीने में पहुंचने के बाद आपकी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या क्या संकेत देने लगती है। वैसे तो आपकी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के संकेत आपको प्रेगनेंसी के 8 मंथ से ही देना शुरू करती है, लेकिन 9 मंथ में पहुंचने के बाद ये संकेत आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मिलने लगते हैं, जिससे आप ये 100% कन्फर्म हो सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो हम जानेंगे सिम्टम्स ऑफ नॉर्मल डिलीवरी ड्यूरिंग 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का हेड डाउन पोजिशन में आना बहुत जरूरी होता है, यानी बेबी का सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ होना बहुत जरूरी होता है। और जब तक बेबी हेड डाउन पोजिशन में नहीं आता है, तब तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी किसी भी कीमत पे हो ही नहीं सकती। तो नॉर्मल डिलीवरी का सबसे पहला संकेत यही है कि आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेड डाउन का पोजीशन लगभग बेबी प्रेगनेंसी के 8 मंथ के स्टार्टिंग से ही लेना शुरू कर देता है, इसीलिए प्रेगनेंसी के 8 मंथ से ही आपको नॉर्मल डिलीवरी के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। जब आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, यानी सेफलिक पोजीशन में आ जाता है, तब आपके बॉडी में कुछ बदलाव होते हैं जिससे आप आसानी से महसूस कर सकती हैं और समझ सकती हैं कि आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी का पहला स्टेज जो है वो शुरू हो चुका है। और वो बदलाव क्या होते हैं, जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपका पेट का निचला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा भारी लगने लग जाता है, आपको पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा दबाव महसूस होने लग जाते हैं, साथ ही पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो काफ़ी ज़्यादा खाली हो जाता है, जिसके कारण आपको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा आराम महसूस होते हैं और साथ ही उस दौरान आपकी भूख प्यास भी थोड़ी बढ़ जाती है। स्टार्टिंग में जब तक बेबी हेड डाउन नहीं किया होता है, बेबी ऊपर की तरफ होता है, इस वजह से आपका पेट काफ़ी ज़्यादा भरा भरा सा होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और खाने पीने की इच्छा उतनी नहीं होती है। और नॉर्मल डिलीवरी का जो दूसरा लक्षण आपको प्रेगनेंसी के 8वें मंथ से ही मिलने लगेगा, वो है आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, कमर में दर्द होना या फिर पीठ में दर्द होना। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा भी बस इसी कारण से होता है कि आपका बेबी जो है वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से उसका सारा भार जो है पेट के निचले हिस्से पर पड़ने लग जाता है, कमर की रीढ़ की हड्डी के आसपास की मसल्स पर पड़ने लग जाता है और फिर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द, कमर दर्द या पीठ दर्द की शिकायत होने लगती है। और जब आप प्रेगनेंसी के 9 मंथ में पहुंचती हैं तो आपको पेट के निचले हिस्से में पीरियड जैसा दर्द होने लग जाता है। तो पीरियड जैसा दर्द होना इस बात पर मुहर लगा देता है कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही जल्द होने वाली है, यानी कि आपकी डिलीवरी का डेट अब काफी ज्यादा नजदीक आ गया है। नॉर्मल डिलीवरी का जो तीसरा लक्षण होता है वो होता है प्राइवेट पार्ट में दर्द या फिर जांघों में दर्द। और ये क्यों होता है, तो इसका भी बस एक ही कारण होता है कि आपके गर्भ में आपके शिशु का आकार बढ़ चुका होता है, वजन बढ़ चुका होता है और बेबी जो है वो हेड डाउन पोजीशन में आ चुका होता है, तो उसका पूरा भार जो है आपके सर्विक्स एरिया पर पड़ने लगता है, जिस वजह से आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द शुरू हो जाते हैं और फिर साथ ही साथ आपके जांघों में भी और चलते समय पैरों में भी दर्द होना शुरू हो जाते हैं। और चौथा और मेन लक्षण होता है नॉर्मल डिलीवरी का कि आपको 8 मंथ में या फिर 9 मंथ में पहुंचने के बाद से काफी ज्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज शुरू हो जाते हैं, यानी काफी ज्यादा मात्रा में सफेद पानी आने लग जाते हैं। काफी ज्यादा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बहुत ही ज्यादा हैवी अमाउंट में आने लग जाते हैं, लेकिन हाँ, पहले के मंथ में यानी स्टार्टिंग के 1 to 7 मंथ के बीच आपको जितना व्हाइट डिस्चार्ज आए होते हैं उसके मुकाबले अभी ज्यादा बार आपको व्हाइट डिस्चार्ज आने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है और ये नॉर्मल डिलीवरी का एक बहुत ही अच्छा संकेत है। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी का 5वां लक्षण है प्रेगनेंसी के 9 मंथ में पहुंचने के बाद आपको दस्त या फिर वॉमिटिंग का होना। और ऐसा क्यों होता है, इस समय आपके बॉडी में डिलीवरी हार्मोन बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजिंग भी तेजी से शुरू हो जाते हैं और फिर आपको दस्त की शिकायत या फिर वॉमिटिंग की शिकायत भी होने लगती है। अब दस्त की शिकायत क्यों होती है, तो दस्त की शिकायत इसलिए होती है कि आपके पेट का जो मल है, जो भी गंदगी है, वो पूरी तरह से बाहर आ जाए, आपका पेट का अंदरूनी हिस्सा खाली हो जाए, जिससे कि शिशु ने अगर हेड डाउन नहीं किया है तो उसे हेड डाउन पोजीशन में आने के लिए सहायता मिले, वो हेड डाउन पोजीशन में आए और आपकी बॉडी अपने आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरी तरह से तैयार कर सके। तो इसलिए प्रेगनेंसी के 9 मंथ में आपको दस्त की शिकायत या फिर वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी का ही संकेत है। इसके अलावा जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, तभी से आपको बार बार यूरिन पास करने की समस्या तो होती ही है, लेकिन जैसे ही आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में पहुंचती हैं, शिशु ने हेड डाउन कर लिया होता है तो वो आपके सर्विक्स एरिया पर काफी ज्यादा दबाव बनाने लगता है, जिसकी वजह से आपको पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बार यूरिन पास करने जाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े देर में यूरिन पास करने जाने पड़ते हैं और ये भी एक मेन संकेत होता है आपके नॉर्मल डिलीवरी का। इसके अलावा आपको नॉर्मल डिलीवरी ही होने वाली है, इसका एक मेन संकेत होता है फॉल्स लेवर पेन। आपकी बॉडी जब अपने आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करना शुरू करती है तो वो अपने अंदर डिलीवरी हार्मोन बनाना शुरू करती है, जिसकी वजह से आपको नॉर्मल डिलीवरी से 10 से 15 दिन पहले या फिर 1 सप्ताह पहले भी फॉल्स लेवर पेन स्टार्ट होंगे। और वो पेन कैसे स्टार्ट होंगे कि वो पेन आपको पेट में होगा, पीरियड जैसा दर्द होगा और वो कमर के साइड जाएगा। और आपका पेट पहले जैसा था, यानी कड़क था तो कड़क ही रहेगा और अगर सॉफ्ट था तो सॉफ्ट ही रहेगा। और साथ ही अगर आपको ये पेन होते हैं और आप चल फिर लेती हैं तो ये पेन आपको
आपका तुरंत चला भी जाएगा। तो ये संकेत होता है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। ये आपका फॉल्स लेवर पेन है। आपकी बॉडी ने अब अपने आप को डिलीवरी के लिए यानी नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अब आपको कभी भी रियल लेवर पेन आकर डिलीवरी हो सकती है। लेकिन वहीं अगर आपको रियल लेवर पेन स्टार्ट होते हैं तो ऐसे में आपको दर्द कमर की निचली हड्डी से शुरू होगा और वह दर्द होते हुए पेट के पास आएगा। और साथ ही अगर आपको रियल लेवर पेन होंगे तो आपका पेट जो है काफी ज्यादा कड़क हो जाएगा, काफी ज्यादा टाइट हो जाएगा। इस दौरान आप टहलेंगे भी घूमेंगे भी तो भी आपका दर्द कंट्रोल नहीं होगा, वो दर्द आपका धीरे धीरे करके बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये जो वीडियो में मैंने सिम्टम्स बताए नॉर्मल डिलीवरी के, वो बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी के 7 मंथ से ही महसूस होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अंतिम और लास्ट संकेत है नॉर्मल डिलीवरी का 9 मंथ में, वो ये कि आपको बेबी के मूवमेंट कम महसूस होने लगेंगे। जब बेबी अपना डिलीवरी पोजीशन ले लेता है तो वो पेल्विक एरिया में अपने आप को डिलीवरी के लिए पूरी तरह से फिक्स्ड कर लेता है। और जब वो फिक्स्ड कर लेता है अपने आप को तो वो अपना मूवमेंट कम कर देता है, अपने पैर से हल्का फुल्का ही मूवमेंट कर पाता है। तो ये भी एक मेन संकेत होता है कि अब आपकी डिलीवरी नजदीक है और आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। तो जब प्रेगनेंसी के 8 से 9 मंथ के बीच आपको ये सारे लक्षण महसूस हो जाते हैं तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। और जैसे ही आपको ये लक्षण महसूस होते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, जितना ज्यादा हो सके टहलें, तो उससे आप 200% इस बात के लिए श्योर हो सकते हैं कि आपको लेवर पेन टाइम पर आएंगे, कि सर्विक्स एरिया का मुंह जल्दी खुलेगा यानी बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुलेगा और आपको कम दर्द में जल्दी ही डिलीवरी हो जाएगी। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।